यहाँ पर हमारे सामने नी ट्वेंटी फोर का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इनमें से कौन फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है तो इसका सही आंसर था आपका यूट्राइन फंडस जो कि फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं होता है इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनमें से कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो यहाँ पर आपको पाँच ऑप्शन दिए गए थे तो इसमें से इसका सही आंसर है मास्थनिया ग्रेविस लिमिटेड ऑर्थराइटिस एंड एस एल ई तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर बी इ e. अगला क्वेश्चन था इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक एंजाइम बाय बायोनेट इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ तो इसका सही आंसर था कम्पिटेटिव इनिबिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनटोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इसका सही आंसर है यहाँ पर आपका मैटोफेसके बाद यहां पर यह क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें आपसे जीनो टाइप पूछा गया था इसका सही आंसर है यहां पर डबल बी जो कि स्मॉल है इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है लेसिथिन अ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ये किसका एग्जाम्पल होता है ये होता है फोर्स का एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन था लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ इसका सही आंसर था आपका पर्मियस देन यहां पे क्वेश्चन दिया था आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरनकाइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो इसका सही आंसर होगा आपका डी डिफेंशिएशन डी डिफेंशिएशन इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर तो इनमें से कौन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है इसका सही आंसर है आपका धतूरा धतूरा इज ए एक्टिनोमार्फिक फ्लावर द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड तो इसका आंसर आप जानते हैं टोटी पोटेंसी जो कि अपना पूरा प्लांट को रीजनरेट कर लेते हैं इसके बाद लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड डेंजर्ड स्पीसीज वार वॉज रिलीज बाय इसका सही आंसर है आई यू सी एन आई यू सी एन देन क्वेश्चन है द को फैक्टर ऑफ द एनजाइम कार्बोक्सी पैप्टीडेस इज सही आंसर है जिंक अगला क्वेश्चन दिया था दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस तो यहां पर आपको पांच ऑप्शन दिए हुए थे यहां पर इसके सही आंसर हो जाएंगे ए बी एंड डी इसलिए इसका सही आंसर है यहां पर सेकेंड ए बी डी इसमें कि दिए हुए अगला क्वेश्चन है अ पिंक फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट वाज प्रोज विद रेड फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट वाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी तो इसके ऑप्शन काफी लंबे लंबे थे इसलिए हमने सीधा आंसर दिया है रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर देन क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थर्टेड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देअर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिविन स्पेशल केयर इज कॉल्ड तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलीफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ल्ड कर्लिंग ऑफ लीब्स इन मोनोकोट दैन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इसका राइट आंसर है यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाई का क्राइटेरिया नहीं है हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डी एन ए मोलिक्यूज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकगनाइजेशन सिक्वेंस एंड इट कंसिस्ट तो इसमें सिक्स बेस पेयर्स पाए जाते हैं देन यहाँ पर क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज यूज बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कोस टू ग्रास एज ऑक्सिन क्योंकि डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोट प्लांट तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे